तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म दीपक राजस्थान पर। तो दोस्तों आज मैथ गणित का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सामने स्थित है, सरलीकरण। सरलीकरण ये आपके सामने प्रस्तुत है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के आपको सवाल देखने को मिलते होंगे जो कि इस प्रकार से समीकरण कि जैसे इन सवालों को यहाँ पर लिखा जाता है। और यदि आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एवं अन्य किसी भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपकी जो है परीक्षा को और मजबूत बना देगा और पास होने का, पास क्या, ए ग्रेड लाने का एक सटीक माध्यम बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको इस वीडियो के ज़रिए समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। आप भी यदि हमें कोऑपरेट करेंगे, आप भी हमारे साथ 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 समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको एक बार में, जी हाँ दोस्तों, एक बार में आपने शुरू से लेकर अंत तक अगर इस वीडियो को देख लिया तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप पहले से हैं चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं सरलीकरण जो कि गणित का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर मैं चार सवाल लेके आया हूँ जो कि इस प्रकार से आपके सामने सवाल आ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है मिक्स सभी जो चिन्ह हैं उनके सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं कहीं भी किसी भी पेपर में। तो आपको उसको सरल करना होता है। सरल मतलब इसको सरल करते जाओ और एंड में क्या आंसर आता है, जोड़ के, गुणा करके या भाग या इंटू करके, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं, सरल करना कहते हैं। सरल करना मतलब सरलीकरण, ठीक है, गणित के अंतर्गत ये सरलीकरण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। पहला यहाँ पर देखते हैं, इसको सरल करके देखते हैं अपन किस प्रकार से ये सरल होगा। हम देखेंगे यहाँ पर कि ये चार सवाल दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। फिर मैं एक सवाल लास्ट में आपके लिए छोड़ूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए पहला एक बार देखते हैं, इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, इसको ऐसा कैसा यहाँ उतार लो, 5 × 2 भाग 1 × 3 × 12 + 12, ठीक है दोस्तों। अब सरलीकरण करने से पहले आपको एक जो ट्रिक, एक जो सूत्र है उसको आपको मन में याद रखना होगा, जो कि बहुत से गणितज्ञों ने बनाया हुआ है और बहुत से गणितज्ञों का माना हुआ है, जैसे कि BODMAS। अब ये मैंने क्या लिख दिया, ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लिख दिया। तो बी का मतलब होता है ब्रोकेट, ब्रोकेट यानी कोष्टक, ब्रोकेट यानी होता है कोष्टक, ऑफ यानी कोष्टक के बाद वाला, कोष्टक के बाद क्या संख्या है उसको गुणा की जाती है। अगर कोई प्लस, जोड़, घटाव और भाग के अलावा कोई अन्य चिन्ह आता है, ये चिन्ह आते हैं तो इनकी गणना की जाएगी, वरना कोष्टक के बाद क्या करेगा, कोष्टक वाला गुणा। फिर डी, डी मतलब डिवाइड, डिवाइड यानि भाग, फिर भाग का नंबर, फिर मल्टीप्लाई यानि गुणा, मल्टीप्लाई, एडिशनल यानि जोड़, और सब्सट्रैक्शन यानि घटाओ। ये सब इनके इंग्लिश नेम के फर्स्ट वर्ड है और यहाँ पर हिंदी वर्ड वर्ग जो अर्थ है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे बी का कोष्टक मतलब पहले ऐसी समीकरण अगर आपको दिखे सरलीकरण की, तो पहले आपको कोष्टकल करना है। क्या हल करना है, कोष्टकल करना है। कोष्टकल करने के बाद अगर भाग है तो भाग करो, गुणा है तो गुणा करो, अगर नहीं है तो छोड़ के अगला वाला देखो। जैसे मान लो भाग है लेकिन गुणा नहीं है, तो आप, और फिर अगर जोड़ है तो फिर जोड़ करना है, लास्ट में क्या करना है, घटाओ। इस प्रकार से आपको लाइन से चलना है इधर आगे से, पहले कोष्टक, भाग, गुणा, जोड़, घटाओ, ठीक है दोस्तों। ये नियम आपको याद रखना है, बस अगर ये नियम याद रख लिया तो कोई सी भी आपके इस प्रकार से सरलीकरण का प्रश्न आ जाए आप वो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके अनुसार अपन करते हैं।
तो क्या यहाँ पर कोष्ठक है? जी हाँ, ये कोष्ठक है। तो कोष्ठक का मतलब होता है कोष्ठक को हल करना, उसके अंदर कोई सी भी संख्या हो, कोई सा भी चिन्ह लगाओ, उसको हल करना। तो यहाँ बीच में गुणा लगा हुआ है, इधर तीन है, इधर बारह है, मतलब बारह को तीन से या तीन को बारह से क्या करना है, गुणा करना है। तो बारतिया 36, कितने होते हैं 36। जहाँ पायड़ा काम आता है डायरेक्ट वहाँ पर पायड़े से अपन सवाल कर लेते हैं, ठीक है। 3 × 12 लिखा हुआ है, तो बाय के बार बार दोनों 24 बार तिया 36। अब इन दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद ये 36 आंसर आ गया, तो क्या हट जाएगा, कोष्ठक हट जाएगा। अब ऐसी कैसी संख्या लिख दो इसके पीछे की, आगे इंटू है, फिर भाग है, फिर 2 × 5 ऐसे प्रकार से कोष्ठक हो गया। हो गया, इस ओ को आप रहने दीजिए, कोष्ठक के बाद डायरेक्ट नंबर किसका लीजिए, भाग का। क्या कोष्ठक के बाद कोष्ठक हो गया? जी हाँ हो गया। क्या भाग का कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो अब क्या करेंगे, अपन भाग करेंगे। इस एक का भाग किस में देना है, दो में, तो कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, ठीक है। अब ये इनको सोल्व किया तो क्या आया, दो। फिर ये गुणा का गुणा, 36 का 36 प्लस 12 का प्लस 12, इधर देखो गुणा और 5, इतना सोल हो गया। अब काई का नंबर, क्या गुणा का चिन्ह भी है क्या यहाँ पर? हाँ है, ये रहा। तो इस गुणा को गुणा करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो 2 को 36 से गुणा करेंगे, 1 × 2 = 12, 12 का 2 हासिल का 1, 2 × 3 = 6 और 1 = 7। तो इन दोनों को गुणा करने पर क्या आया अपने पास, 72 आया, ठीक है। 72 यहाँ लिख दिया। अब ये इसके, इनको छोड़कर इनके आसपास के जो है वो हमको यहाँ पर संख्याएं लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणा है, कितने गुणा है, 2। तो एक बार और अपन क्या करेंगे, गुणा गुणा कर लिया, लेकिन फिर भी वो गुणा है क्या, हाँ है। तो वापस गुणा करो, 5 को करेंगे 72 से गुणा, 5 × 2 = 10 की 0 हासिल का 1, 5 × 7 = 35, 1 = 36 प्लस 12 का 12। केस में घटाओ का चिन्ह है, सॉरी अभी घटाओ का नहीं आया, गुणा के बाद नंबर काय का है, जोड़ का, तो जोड़ना है, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ो। 360 में 12 जोड़ो, 360 में 12 ऐड करेंगे अपन, तो कितने हो जाएंगे, 372। ये आपका क्या है, आंसर है। इस पूरी समीकरण प्रश्न को अपन ने सोल्व किया तो ये इतना हुआ, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इसका आंसर क्या आया, ये, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्या करते हैं, सरल करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, ये तो पहले वाला था, ठीक है, ये पहले वाला था, अब दूसरा वाला अपन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, चलिए दूसरा वाला देखते हैं। 5 − 1 × 12 − 3 कोष्ठक 12 ÷ 4। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर है। चलिए पहले कोष्ठक हल होगा, क्या हल होगा, कोष्ठक। 12 में से 3 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों 12 में से 3 गए तो यहाँ पर 9 बचे। फिर ऐसा कैसा ही लिख दो, ये छोड़कर बाकी इधर का इधर, ऐसा कैसा ही लिख दो, इधर भी ऐसा कैसा ही लिख दो। क्या अब कोष्ठक है क्या, नहीं है। तो क्या अब भाग का चिन्ह है यहाँ पर, जी हाँ है, ये रहा। तो कोष्ठक के बाद क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। चलिए तो अब इनको सोल्व करेंगे, 4 का भाग 12 में 3 बार, 4 × 3 = 12, 3 बार गया, ऐसा कैसा ही लिखो बाकी को। क्या अब यहाँ पर भाग है, नहीं है। तो क्या गुणा है, जी हाँ गुणा है, ये रहा। भाग के बाद नंबर काय का, गुणा का, तब इन दोनों को गुणा करें, नाम नाम, +3 का +3 और ये -5 का -5, ठीक है। अब इन दोनों में से पहले क्या होगा, तो पहले यहाँ पर दिया हुआ है गुणा नहीं है, अब काय का नंबर, जोड़ का, तो जोड़ेंगे, ठीक है, 3 और 9 को जोड़ेंगे, ठीक है, 3 और 9 को। क्या 3 और 9 को जोड़ेंगे, बहुत सोचा जवाब होगा, हाँ लेकिन नहीं। अब यहाँ पर ये रूल काम करेगा कि प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे और माइनस वाली संख्याओं को बाद में घटाएं। तो क्या +3 के है, हाँ है। क्या यहाँ पर -9 माइनस के है कि प्लस के हैं, माइनस के हैं, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। क्या प्लस के यहाँ पर 5 है, हाँ है। तो प्लस के 3 जाएंगे,
यहाँ पर हो जाएंगे 8, फिर ये माइनस का माइनस, ठीक है। 8 में से 9 जाएगा तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या काई की माइनस की, तो मतलब माइनस का 1 आपका यहाँ पर आंसर आता है। प्लस माइनस किस प्रकार से काम करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि इसका आंसर तो ये आ गया, ठीक है। इस डिब्बे में आप समझने का प्रयास करें कि अगर प्लस को इनटू करें माइनस से तो क्या आता है, माइनस आता है, और माइनस को इनटू करें प्लस से तो क्या आता है, फिर भी माइनस आता है, और प्लस को इनटू करें प्लस से तो क्या आता है, प्लस आता है, और माइनस को इनटू करें माइनस से तो क्या आता है, माइनस। हाँ है, ये रहा इसका भाग, इसमें 2, 4, 3, 12 तीन बार गया, ऐसा कैसे उतारो। और आशा करता हूँ आप सभी को सवाल समझ आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। वीडियो को 2 बार देखने पर आपको पूरी पूरी बार ज़रूर समझ आएगा। जी हाँ दोस्तों, 100% गारंटी लेता हूँ आपको, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को रोक कर आप पूरी बार ज़रूर देखें, और मेरी जो बात मैं कह रहा हूँ वो ज़रूर सुने, और जो वीडियो में दिख रहा है बोर्ड पर वो आप देखते हुए चलें। आपको हर सवाल समझ आएगा किस प्रकार से मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। क्या अब यहाँ पर भाग कर लिया अपन ने, और भाग के सवाल है क्या, भाग के बाद नंबर का एक गुणा का, क्या गुणा के सवाल है क्या, हाँ है। एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो गुणा वाले गुणा कर लो, 1 + 3 प्लस का प्लस, 2 × 5 = 10 कि प्लस का प्लस। क्या अब गुणा के सवाल है क्या, नहीं है, तो अब क्या बच रहा है, प्लस प्लस, तो इन तीनों को जोड़ दो क्योंकि 3 ही प्लस में है, 10 और 3 = 13, 13 और 2 = 15, क्या आंसर आया, 15। दोस्तों 15 यहाँ पर आपके आंसर निकल के आता है। तो दोस्तों 4 प्रश्न थे, 3 मैंने करके बताए हैं, ये 1 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जो कि इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसने कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया उसका हम उत्तर देखेंगे, और आपको सभी को जो भी वीडियो देख रहा है उसको इस प्रश्न का जो है सरलीकरण जैसे कि मैंने ये किया है, इसका क्या आंसर आता है निकल कर, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर करना है। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, और यदि आप भी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं
नौवीं दसवीं के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को एक से दो बार पूरा देखें ताकि ये टॉपिक आप कभी भूल ना पाएँ। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।